जनता के लिए कैशलेस की कहानी और पार्टियों के लिए अच्छा बेनामी, इसी फॉर्मूले पर चलती है कैशलेस का फतवा जारी करने वाली बीजेपी। जनता को पाई पाई के लिए अंतहीन कतारों में खड़ी कर देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी पार्टी चंदे का हिसाब देने को राजी नहीं है। और यह कोई 2-4 हजार रुपए का हिसाब नहीं है, पूरे 5 अरब के बेनामी ढेर पर बैठी है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे कैशलेस हुए हैं कि जेब में पैसे ही नहीं बचे। बैंक देने को राजी नहीं, गवर्नर बताने को राजी नहीं और प्रधानमंत्री समझने को राजी नहीं। खाली हाथ, खाली जेब और खाली बटुआ। और प्रधानमंत्री घूम घूम कर मजदूरों और जूता काटने वालों तक में कैशलेस का मंत्र फूंक रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आता, जिस कैशलेस के फायदे के लिए कोहराम मचाया है उसे खुद अपनाने में कलेजा क्यों कांप रहा है। जबकि चुनाव आयोग ने भी नकद चंदे की अधिकतम सीमा 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 करने की सिफारिश की है, लेकिन मोदी सरकार इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है। कैशलेस की तड़प ऐसी है कि 43 दिन में 60 बार बैंकिंग के नियम बदले जा चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दलों पर हाथ डालने में कांप रही है बीजेपी। देखिए, ये जो नोटबंदी का फैसला जो प्रधानमंत्री जी ने लिया, ये काले धन और भ्रष्टाचार पर प्रहार है। और सत्र से पहले ही देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों से आग्रह किया था कि राजनीतिक जो चंदा पॉलिटिकल पार्टियां लेती हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, चुनाव से काला धन समाप्त होना चाहिए। मतलब जनता को सताना और बीजेपी के लिए बहाना, इस बहाने की ठोस वजह है क्योंकि वह खुद ही नकद की शौकीन रही है। बीजेपी चलती ही नकद से। इसी साल की एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने बताया है कि उसे 2016 में चंदे से 872 करोड़ रुपए मिले। अब देखिए कि इस 872 करोड़ में 434 करोड़ 67 लाख रुपए का चंदा 20,000 रुपए से कम के टुकड़े में आया। मतलब कुछ बताने की जरूरत नहीं कि वो दानवीर कौन थे जिन्होंने बीजेपी पर अपनी गाढ़ी कमाई लुटाई है। इतना ही नहीं, बीजेपी को 613 गुमनाम लोगों ने 76 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 12,40,000 रुपए की रकम प्रतिदाता बेनामी है। हम लेस कैश इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा चुनाव सुधार है। कोई भी अगर पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को देता है तो वो भाई चेक देगा, उससे पारदर्शिता रहेगी, कौन व्यक्ति किस पार्टी को कितना दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टी कितना ले रही है। तो हम तो पहले से ही चुनाव सुधारों के पक्ष में हैं। हाय रे जवाब, कसम से लाजवाब, जनता के दर्द पर तेजाब रगड़ने वाले अपनी पार्टियों के नकदी को अमृत कलश माने बैठे हैं। बस पर कोई सवाल मत कीजिए, जनता तो एक एक कौड़ी का हिसाब दे और बीजेपी बेनामी के ढेर पर बैठी रहेगी। एक और बात गौर कीजिए, बीजेपी को इस साल मिला चंदा कांग्रेस, NCP, CPI, CPM और तृणमूल कांग्रेस को मिले चंदे को मिलाकर जितना बनता है उससे 3 गुना ज्यादा है। और अरबों के बेनामी के ढेर पर बैठी बीजेपी जिद पर अड़ी है, हम कोई हिसाब नहीं देंगे। तो कैशलेस का कानून बनाने वाले, चलाने वाले और उस पर खिलाने वाले चौड़े होकर नकदी लेंगे और उस पर जनता को चिढ़ाएंगे भी। कुछ समझ में आया? क्या समझे, पार्टी यूं ही चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो पार्टी तो यूं ही चलेगी क्योंकि चंदा क्या है, काले का धंधा है। कोई नहीं पूछता कैसे कमाए, कहां से लाए, कैसे चढ़ाए। आप गरीबों का हक मार कर लाइए, घुसखोरी का लाइए, बेईमानी का लाइए, जालसाजी का लाइए। एक बार अपने पार्टी के पेट में रुपया अर्पित कर दिया तो वो गंगा के समान पवित्र हो गया। आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते, उसकी जांच नहीं हो सकती। और बेनामी चंदे की शौकीन अकेले बीजेपी नहीं है, कांग्रेस, NCP, BSP, समाजवादी पार्टी सब ऐसी ही पवित्र पार्टियां हैं। बेनामी चंदा वो मजा है जिसमें अकेले बीजेपी नहीं लौट रही है, सारे दल पार्टी कर रहे हैं। क्या बड़ी, क्या छोटी, क्या पवित्र और क्या खोटी। अब कांग्रेस को लीजिए, ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, सोचिए ना कि 2016 में कांग्रेस को 207 करोड़ रुपए का चंदा मिला, इसमें से 65,58,00,000 रुपए 20,000 से कम चंदे के रूप में मिला। मतलब इसका हिसाब न किसी को देना है न किसी को लेना है। बीजेपी की ही तरह कांग्रेस ने भी जमकर बेनामी चंदा लिया, 918 गुमनाम लोगों ने 20 करोड़ रुपए दिए।
आज से भले 5,000 रुपल्ली जमा करने पर राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक मांग लिया गया हो, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी समेत देश के 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल समय पर आईटी रिटर्न तक नहीं भेजे। किसी की हिम्मत नहीं कि इन दलों के रिटर्न की स्क्रूटनी कर ले। किसी भी दल के आईटीआर की आज तक कोई स्क्रूटनी नहीं। इतना ही नहीं, कैशलेस का जाप करने वाले कैश के इतने बड़े मुरीद हैं कि 2012-13 और 14-15 में बीजेपी ने बताया ही नहीं कि चंदा कैसे कैसे मिला। कांग्रेस ने 2013-14 में बड़ी रकम देने वालों के पैन नंबर ही नहीं बताया। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सारे राजनीतिक दलों के खाते में झोल है। किसी ने नहीं बताया कि उनका 75% चंदा कहां से आया है। बीजेपी और कांग्रेस का जो आप दिख रहा है ना, और जो दिखा रहे हैं, वो तो 1/4 भी नहीं है उनके आमदनी का। अगर मोदी जी की 2014 की कैंपेन का खर्चा को आप देखे और जो उन्होंने दिखाया है आप देखिए, उसी में आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा गैप है। ये हाल केवल कांग्रेस और बीजेपी जैसे विशाल पार्टियों का नहीं है। नोटबंदी का विरोध कर रही बीएसपी खुद बेनामी के हाथी पर सवार है। 2016 में करीब 92,80,00,000 रुपए बीएसपी को चंदे में मिले, सारा चंदा नकद और 20,000 से कम के रूप में। मतलब पार्टी एक भी रुपए का हिसाब देने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर नहीं है। आप अगर आयकर रिटर्न में जानकारी गलत दे दें तो 72 लफड़ों में फंस जाएंगे, लेकिन राजनीतिक दल जो चाहे लिख कर दे दें और सजा छोड़िए कोई पूछेगा भी नहीं। 2004 से 2015 के बीच राजनीतिक पार्टियों को 73% चंदा नकद के तौर पर मिला है। जमा पर्ची पर 19,999 रुपए लिखते ही पार्टियां भारत की जनता के लिए बने कानून से ऊपर हो जाती है, और जो चंदा चेक से आता भी है उसके हिसाब में भी बोलवाते। किसी का पैन नंबर नहीं, किसी का चेक नंबर नहीं, तो किसी का पता नहीं। देश चलाने वाले किसी भी सूरत में बताने को राजी नहीं है कि दल कैसे चलता है।